में से लाइमलाइट से दूर ऐश्वर्या राय फिर से एक्शन में लौट आई है। हॉलीवुड फिल्म मेलफिकेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल के हिंदी ट्रेलर लॉन्च मौके पर ऐश्वर्या ने खुलकर बात की। फिल्म में ऐश्वर्या राय ने हॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस एंजेलिना जोली को आवाज दी है। बड़ी बात यह है कि ऐश्वर्या ने अब तक उन किरदारों को आवाज दी है जिनको उन्होंने पर्दे पर निभाया है। ये पहली बार है जब ऐश्वर्या ने किसी और के लिए डब किया है। राजीव मसीन से बातचीत करते हुए ऐश्वर्या ने एक और बड़ा खुलासा किया। ऐश ने बताया कि मैंने अपनी फिल्म की चॉइस से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन को गलत साबित कर दिखाया था। फिल्म में ऐश्वर्या ने नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन साइन करते वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि उनका किरदार कैसा होगा। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने डायरेक्टर से कहा था कि वो कभी नेगेटिव किरदार निभा ही नहीं सकती, लेकिन ऐश्वर्या ने डायरेक्टर्स को हाँ कह करके तीनों को चौंका दिया था। जब फिल्म रिलीज हुई तो तीनों दिग्गज क्लाइमेक्स देखकर दंग रह गए थे। इसने खुलासा किया कि वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि मैं नेगेटिव किरदार के लिए इनकार कर दूंगी, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में मैं नई थी। राजकुमार संतोषी को तुरंत हां कहकर उन्होंने तीनों को चौंका दिया था। ऐश्वर्या ने बताया कि रिलीज हुआ प्रोमो उनके पति अभिषेक और बेटी आराधना को काफी पसंद आया है। बात करें ऐश्वर्या राय की वर्क फ्रंट की तो है मणि रत्नम की नेक्स्ट मूवी पेनियन सेलमन में नजर आएंगी। अन्य प्रोजेक्ट साइन करने को लेकर इसका कहना है कि अभी वह अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में है, जब अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी वो तुरंत हामी भर देंगी। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव देना ना भूलें।